फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। मयूर विहार थाना अंतर्गत त्रिलोकपुरी में एक शख्स को मारा चाकू, हुई मौत, दो आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार किया। पूर्वी दिल्ली जिला की डीसीपी प्रियंका कश्यप ने मंगलवार की दोपहर मीडिया को बताया कि शिकायतकर्ता मकसूमा वाइफ ऑफ स्वर्गीय मोहम्मद शरीफ निवासी त्रिलोकपुरी की हैं। उन्होंने बताया कि उनका बेटा सलमान शादी से पहले एक हीना जो उसके घर के पास रहने वाली है जो उससे बात करता था, जिसका दोनों परिवारों ने विरोध किया था। जब 17/1/2022 की रात 10 बजे हीना ने सलमान को अपने घर के पास बुलाया और उससे बात की। इस बीच हीना की बहन फरीना ने उन्हें एक दूसरे से बात करते हुए देख लिया और चिल्लाने लगी। उसने तुरंत अपने भाई फरदीन उर्फ अड्डू को बुलाया जो 2-3 लोगों के साथ मौके पर आया और सलमान को गाली देने लगा और पीटना शुरू कर दिया। इस बीच फरीना और उसकी माँ नजमा ने फरदीन उर्फ अड्डू और उसके साथियों को सलमान को सबक सिखाने और उनका खेल खत्म करने के लिए उकसाया। इस फरदीन उर्फ अड्डू ने सलमान पर चाकू से वार कर दिया। शिकायतकर्ता मकसूमा ने शोर मचाना शुरू किया तो फरदीन उर्फ अड्डू और उसके साथी मौके से फरार हो गए। मकसूमा अपने जाने माने अदनान के साथ सलमान को LBS हॉस्पिटल ले गया जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद मृतका की मां की शिकायत पर थाना मयूर विहार ने प्राथमिक संख्या 89/22 धारा 302/201/34 IPC के तहत मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। दो महिला आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी 3 पुरुष जो आरोपी हैं वो फरार हैं, उनको पकड़ने की भी कोशिश की जा रही है। आपका सर शबनम नाम है मेरा। शबनम जी, जिसका मर्डर हुआ आप क्या लगते होंगे? मैं बहन हूँ उनकी, वो मेरे छोटे भाई हैं। क्या वजह है चाकू मारने की? सर वजह तो ये है, लड़की काफ़ी टाइम से ही ना जो हमारे भाई के पीछे पड़ी हुई थी, काफ़ी 4-5 साल से शादी करना चाह रहे थे हमारे भाई से, हमारे भाई ने रिस्पॉन्स नहीं दिया बिल्कुल भी, ठीक है, तो वो उस रंजिश में उसने आकर के हमारे भाई का 3 लड़कों के साथ मिल गया, अपनी छोटी बहन फरीना और उसका भाई है अड्डू, समीर, अब्बास, ये सब 4 लड़के हैं सर, इनके साथ मिल के उनने कल हमारे भाई को पहले मारा, उन्होंने 3 लड़कों ने मिल के मारने के बाद सर उस वो जब उसका सर फूट गया वो घर भागा बचाव के लिए अपने, तो सर उसे घर में से खींच के ला करके उसके चाकू मार दिया सर इतना। वन साइड लव था उनका, रिस्पॉन्स नहीं दिया तो उस रंजिश में आगे शादी हो गई हमारे भाई की, हमने शादी कर दी, ठीक है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं 2, अब वो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि इसकी शादी हो गई, अब मुझे अपना ही नहीं, वो अभी ये चाह रहा है कि यूँ कह रही है परसों भी कल रात भी कि तू उसे तलाक दे दे मुझे रख ले, उसे तलाक दे मुझे लगा कि मैं कैसे तलाक दे दूँ, मेरा परिवार है, मेरा एक सुखी परिवार, मैं कैसे अपना परिवार उजाड़ दूँ, बर्बाद करूँ।